बल पर शासन में संख्या के बल पर जो है हर चीज पर जर्सी लगाने का काम करती है और पूरे प्रदेश में पूरे देश में जो है। सबसे बड़ी समस्या इस समय जो तात्कालीन भाजपा सरकार और ये कह लीजिए कि ये प्रशासनिक सरकार SPDM द्वारा चलाई जा रही इस सरकार में अभी फिलहाल चुनाव हुए हैं जिला पंचायत के और ब्लॉक प्रमुख के, जिसमें बहुत ही स्तर गिरा के ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत चुनाव में धांधली किया गया है। यहाँ तक कि जो सरकार ये कहती थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती थी, वो सरकार इस चुनाव के लिए बेटी को अधनंग करने का काम किया है और इस सरकार में साड़ी खींचते हुए पाए गए। जबकि इस बलिया ज़िले में बागी बलिया में एक तथाकथित मंत्री जी जिन्होंने कि एक कुछ अराजक तत्वों ने गाली दे दिया तो उसके लिए सभी पे समाजवादी पार्टी के नेताओं पे पास्को एक्ट लगा और एक बेटी का बीच चौराहे पे लखीमपुर खीरी में साड़ी खींचा जाता है उस पे पूरी सरकार मौन है। जैसे कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई दामों पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती दामों पे सबसे पहले मैं इस सरकार के नीतियों का दोष देता हूँ। इस सरकार जितना अधिक से अधिक टैक्स पेट्रोल डीजल पे लगा रही है और पेट्रोल डीजल महंगा होने के वजह से आम किसान को इतना परेशानी हो का सामना करना पड़ रहा है। सरकार अपने कुछ चुनिंदे लोगों को अमीर बनाने के चक्कर में पूरे देश के जनता को बर्बाद करने का काम कर रही है। इस पेट्रोल डीजल का महंगाई के लिए सिर्फ इस भाजपा सरकार जिम्मेदार है। यही मोदी जी 2014 के पहले कहते थे कि मेरी सरकार आएगी और पेट्रोल डीजल आपको 35 रुपया लीटर मिलेगा, लेकिन इसको न तो GST में पेट्रोल डीजल लाया गया न ही इस पर किसी तरह का ठोस कदम उठाया गया और धीरे धीरे पेट्रोल डीजल के दाम के साथ साथ टैक्स बढ़ाया गया, जो कि वर्तमान स्थिति में कोरोना के समय में पेट्रोल डीजल का दाम हर बैरल प्रति बैरल के हिसाब से बहुत कम हुआ है, लेकिन सरकार ने अपना दुगुना टैक्स बढ़ा के इस पेट्रोल डीजल को रोज़ बढ़ा रही है और आम जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए तमाम तरह की झूठी अफवाह फैलाई जा रही है कि ये हुआ भाई, ये पिछली सरकारों के दिन है। पिछली सरकार में जबकि पेट्रोल डीजल महंगे थे तब भी डीजल यहाँ सस्ता मिलता था। इसके लिए पूरी जिम्मेदार ये भारतीय जनता पार्टी जो कि झूठों की सरकार है ये जिम्मेदार है। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी किस तरीके से प्रदर्शन करेगी? 2022 में चुनाव होने वाले हैं और इसमें समाजवादी पार्टी हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने पूरी तरह कमर कस ली है कि इस झूठे फरेबी सरकार को हटा देना है। हमने सबसे पहले अभी माननीय अखिलेश यादव जी ने कुछ दिन दो चार दिन पहले घोषणा किया कि 300 यूनिट पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली फ्री होगी, 10 लाख रोजगार होगा और जितने भी किसान हैं जो कि ट्यूबवेल चलाते हैं और खेती करते हैं उनका बिजली माफ़ होगा और साथ साथ 10 लाख बेरोजगारों के तत्काल प्रभाव से जिस दिन पहली कैबिनेट की बैठक होगी उसमें नौकरी दिया जाएगा। उसके बाद जितने भी इस समय समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता या अन्य जो कि अलग लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार हुआ है, मुकदमा हुआ है, उसको तत्काल प्रभाव से वापस किया जाएगा। इसके लिए हम लोग पूरे प्रदेश में एकजुट होकर समाजवादी पार्टी के साथ इस समय हर वर्ग एक साथ आ गया है इस झूठी सरकार को, इस महंगाई के सरकार के को हटाने के लिए। ये सरकार अंबानी अडानी के हिसाब से पूरा देश चल रहा है, इसको हटाने के लिए इस सरकार के साथ हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। इसके वजह से आज एक प्रदर्शन हुआ था जिसमें कि हम लोग पूरे प्रदेश में इस प्रदर्शन को करने में सफल रहे और अखिलेश यादव की नीति को बताने में सफल रहे। आने वाले चुनाव में जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता से यही निवेदन करूंगा कि उत्तर प्रदेश की जनता इस झूठी सरकार, फरेबी सरकार, अत्याचारी सरकार के बातों में न आके माननीय अखिलेश यादव जी
द्वारा किए गए विकास को ध्यान में रखते हुए और आगे विकास करने के लिए इस उत्तर प्रदेश की जनता माननीय साइकिल और माननीय अखिलेश यादव जी के साथ जुड़े और माननीय अखिलेश जी को 2022 में मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। बस पूरे प्रदेश में सभी जनता से मैं यही निवेदन करूंगा। इस बार 22 के चुनाव में जनता को बताना नहीं है, जनता जान चुकी है ये आतताई सरकार, ये किसान विरोधी सरकार, ये नौजवान विरोधी सरकार, ये महिला विरोधी सरकार, ये क्या करने वाली है, ये कुछ नहीं करने वाली है। इस बार जनता स्वयं कह रही है, जनता में जाके हम लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, जनता हम लोगों से स्वयं कह रही है कि भैया आप लोग प्रयास कीजिए, हम आपके साथ हैं, अखिलेश यादव जी आप आगे चलिए, जनता आपके साथ है, हम अखिलेश यादव की सरकार बनाना चाहते हैं। जनता इस बार 300 पार करके दिखाएगी और अखिलेश यादव, माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाएगी।